हंसी भर से प्यार देखकर आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। 2024 यानी चुनावी वर्ष, कुछ दिनों बाद चुनाव की तिथि की घोषणा भी कर दी जाएगी। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सभी राज्यों में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। झारखंड की राजनीति में भी बीते कुछ दिनों में बड़े बदलाव हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद जेल जाना, चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का राजनीति में आना, ये सभी चीजें झारखंड में काफी बदलावपूर्ण रही हैं। हालांकि कल्पना सोरेन का बैकग्राउंड कभी भी राजनीति से नहीं रहा है। आपको बता दें कि कल्पना भारतीय सेना के कैप्टन के घर में जन्मी थी। उनका जन्म पंजाब के कपूरथला में हुआ। शादी के बाद कभी भी उन्होंने राजनीति में आने की नहीं सोची। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं अपने घर परिवार में खुश हूं, मुझे गृहस्थी संभालना पसंद है। लेकिन राजनीति में सक्रिय नहीं होने के बावजूद राजनीतिक गतिविधियों से वह पूरी तरह से वाकिफ रहती थी। यही कारण है कि हेमंत के जेल जाने के बाद उन्हें पार्टी की कमान सौंपी गई है। अब देखना यह है कि क्या पार्टी उन्हें आगे चुनाव लड़वाती है। हालांकि इससे सोरेन परिवार में खटास पैदा हो सकती है, क्योंकि हेमंत की भाभी सीता सोरेन और भाई बसंत सोरेन कई बार मंत्री पद की मांग कर चुके हैं। वहीं कल्पना को विधायक दल का नेता बनाने पर सबसे ज्यादा नाराजगी उनके घर में ही दिखी, लेकिन चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाया गया, जिससे परिवार में शांति बनी रही। उसके बाद बसंत को मंत्री पद देकर उनकी नाराजगी दूर की गई। लेकिन अगर कल्पना को पार्टी में कोई जगह मिलती है तो सीता का गुस्सा जेएमएम पर भारी पड़ेगा। आपको बता दें, जिस दिन उन्होंने सक्रिय रूप से पार्टी ज्वाइन किया, उस दिन स्टेज पर हेमंत सोरेन के नहीं होने का दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। कल्पना भावुक हो गई थी। उनका भावुक होना लाजमी भी है। आपके समक्ष में खड़ी हूं, बहुत ही भारी वक्त से एक पिता के रूप में मेरे ससुर जी आज उनके आंसू के साथ मेरी सासू माँ जो बहुत ही बीमार वृद्ध हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अरे जेल का ताला टूटेगा, सोचने वाली बात यह है कि क्या कल्पना के आंसू और हेमंत की गिरफ्तारी झारखंड में जेएमएम को मजबूती देगी। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन और झामुमो पार्टी को काफी ज्यादा सिंपति मिल रहा है। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़क पर उतर गए हैं और जमकर हेमंत का समर्थन भी किया। उस वक्त झारखंड का नजारा ये बयां कर रहा था कि इस बार जेएमएम को सिंपति वोट मिलेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि हेमंत का जेल जाना झामुमो के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अगर झारखंड में बीजेपी चेहरे की बात करें तो इस बार प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने झारखंड में अपना चेहरा बनाया है। हालांकि इससे पूर्व वाले चुनाव में यानी 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर अपना दांव खेला था, क्योंकि 2014 वाले चुनाव में रघुवर को झारखंड में जीत मिली और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन 2019 में रघुवर से जनता को काफी नाराजगी थी।
जनता के प्रति उनका बर्ताव सही नहीं होने के कारण 2019 के चुनाव में जनता ने दरकिनार कर दिया था उन्हें। उनके स्कूटर फाइन से भी लोग त्रस्त हो गए थे। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि उनके अपने लोगों के प्रति भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उन्हें उस वक्त कुर्सी का नशा था, जिसमें चूर होकर वो अपने ही पार्टी के लोगों पर बेवजह बरस पड़ते थे। यही कारण था कि सरयू राय ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। यही नहीं, उन्होंने रघुवर को 15,000 वोटों से जोरदार शिकस्त भी दी थी। हालांकि अब रघुवर को राजनीति से दूर कर दिया गया है। अब रघुवर उड़ीसा के राज्यपाल हैं। इस बार फिर से बीजेपी बाबूलाल मरांडी पर दाव लगाएगी। आपको बता दें, बाबूलाल मरांडी 1998 में बतौर मुख्यमंत्री झारखंड में राज कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में ही 2000 में झारखंड अलग राज्य बना था। उन्होंने उस वक्त भाजपा को 14 में से 12 सीटों पर जीत दिलाई थी, जिसका इनाम भाजपा ने उन्हें केंद्र में अटल बिहारी के सरकार में राज्य मंत्री बनाकर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या बाबूलाल मरांडी इस बार भी भाजपा को जीत दिला पाएंगे, या फिर हेमंत के सिंपथी वोट से झामुमो इस बार भी बाजी मार लेगी। तब तक के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ, हम ऐसी ही जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे। नमस्कार।